हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKLCC ग्रुप। मैं रवि रंजन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं रिक्वायरमेंट की बात करने जा रहा हूं, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन वाइज फुल डिटेल चेक करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहां पर क्या रहने वाला है वो देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे भी बजा दें, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 2020 के SO संख्या 2012 के अनुसार दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, कुल पद 5,886 हैं और उसमें पुरुष 3,902 और महिला 1,944 सीट हैं। और इसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 है। जनरल वाले के लिए देख सकते हैं, जनरल वाले के लिए 18 से 25 उम्र सीमा है, एवं OBC के लिए 18 से 28। याद रखेंगे, एज एलिजिबिलिटी 18 से 25 जनरल वालों के लिए और OBC के लिए 18 से 28 रखा गया है, और SC ST के लिए 18 से 30। इसलिए ध्यान रखेंगे, जनरल वाले के लिए 18 से 25, OBC 18 से 28 एवं SC ST वाले के लिए 18 से 30 है। और ध्यान देंगे दोस्तों, योग्यता आपको 12वीं पास होना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता मिनिमम 12वीं होनी चाहिए, आप 12वीं में पास होने चाहिए। और ध्यान देंगे, परीक्षा का पैटर्न दोस्तों कंप्यूटर आधारित है, जो 100 अंकों का होगा। देख सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न कंप्यूटर आधारित है, जो 100 अंकों का है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। और देख सकते हैं दोस्तों, जो परीक्षा का पैटर्न है कंप्यूटर आधारित है और कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अर्थात 1/4 काट लिए जाएंगे और कुल समय अवधि 90 मिनट के होगी। याद रखेंगे, 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 अंक हैं, कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भाग ए में जीके रहेंगे और इसमें जीके एवं CA करंट अफेयर जो 50 अंकों का होगा। ध्यान देंगे, सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है ध्यान से देखेंगे। आपका भाग ए में जीके एवं करंट अफेयर जो 50 अंकों का होगा, और पार्ट बी में रीजनिंग होंगे 25 अंक, और पार्ट सी में कंप्यूटर होंगे 10 अंक, और पार्ट डी में गणित होंगे 15 अंक। तो कुल देख रहे हैं दोस्तों, आपका 100 मार्क्स हो गया। याद रखेंगे, भाग ए में आपका जीके एवं करंट अफेयर होंगे जो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का होगा, और पार्ट बी में रीजनिंग होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, और भाग सी में कंप्यूटर 10 मार्क्स एवं पार्ट डी में गणित 15 मार्क्स के होंगे। तो यह था आपका सिलेबस। तो देखते हैं दोस्तों, अब शारीरिक क्या है एलिजिबिलिटी। तो शारीरिक दक्षता पुरुष के लिए आपको 6 मिनट के भीतर 1600 मीटर की दौड़ लगाना है, पुरुष के लिए 6 मीटर में आपको 1600 के मीटर दौड़ लगाना है। और लंबी कूद देख रहे हैं दोस्तों, लंबी कूद आपको 14 फीट और ऊंची कूद हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच करना है। याद रखेंगे, लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच आपका है। उसी तरह से छाती दोस्तों 80 से 85
सेंटीमीटर रहना चाहिए पुरुष के लिए, याद रखेंगे ये पुरुष के लिए है। छाती 80 से 85 सेंटीमीटर और अतिरिक्त 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। और हाइट आपका 1.70 होना चाहिए, 1.70 सेंटीमीटर। और एससी एसटी वालों के लिए 1.65, ध्यान देंगे एससी एसटी वालों के लिए 1.65 चाहिए और जनरल ओबीसी वालों के लिए 1.70 हाइट चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों ये महिलाओं के लिए, अभी देख रहे थे पुरुष के लिए, अब महिला के लिए 8 मिनट के भीतर 1600 मीटर की दौड़ लगाना है। हाँ दोस्तों, पुरुष के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाना है और महिलाओं के लिए 8 मिनट के भीतर 1600 मीटर की दौड़ लगाना है। और महिलाओं के लिए लंबी कूद अर्थात लॉन्ग जंप 10 फीट का है और पुरुष के लिए 14 फीट का, दोनों ध्यान देंगे पुरुष के लिए 14 फीट और महिलाओं के लिए 10 फीट रखा गया है। उसी तरह से हाई जंप ऊंची कूद पुरुष के लिए 3 फीट 9 इंच है और महिलाओं के लिए 3 फीट ही केवल है, ध्यान देंगे महिलाओं के लिए केवल 3 फीट है। और दोस्तों जो हाइट है वह महिलाओं के लिए एससी एसटी वालों के लिए 1.57 रखा गया है, जनरल के लिए सॉरी दोस्तों जनरल के लिए 1.57 है और एससी एसटी के लिए 1.55 और कोई विशेष स्थिति में 1.52 रखा गया है। तो यह था डिटेल और देख सकते हैं दोस्तों एक नोट दिया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम एसएससी द्वारा घोषित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, जो यह एग्ज़ाम होगा या एसएससी लेगा उसी के द्वारा ही आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यह थे कुल नोटिफिकेशन कुल डिटेल, तो देखें दिल्ली पुलिस के द्वारा कॉन्स्टेबल पोस्ट पर वैकेंसी आई है जो कुल 5,846 पद के लिए है। तो देखें दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।